अस्सलाम वालेकुम। 350 फैमिलीज़ को आपकी अमानत पहुंच चुकी है। हमारा टारगेट 1000 फैमिलीज़ का है और ये टारगेट रीच करने के लिए आप लोगों ने डोनेशन को जारी रखना है। एक बैग 3600 रुपीज़ की बन रही है। अभी मुझे अपडेट मिली है कि द प्राइस इज़ जस्ट गॉन अप, चीज़ें और महंगी हो गई हैं। 3800 रुपीज़ का एक बैग प्रिपेयर हो रही है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूडेड है। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं, नंबर्स नीचे आ रहे हैं, प्लीज़ डोनेट करें। हम लोग अभी दादू के अलाहाबाद इलाके में बैठे हुए हैं, फुलजी स्टेशन के करीब। ये वाला जिस इलाका जहाँ हम बैठे हैं ये कदरे बेहतर है, इसमें इतना ज़्यादा डेवास्टेशन नहीं हुई है। वहाँ इसके इर्द गिर्द के बहुत सारे गाँव हैं, 10 से 12 गाँव हैं जो कि अफेक्ट हुए हैं, और ये गाँव जो हैं उनका एक्सेस ही बंद हो गया है। तो पहुँचने तक 2.5 किलोमीटर वो पैदल चलना पड़ता है क्योंकि रोड कट हो गया है, वो कोई गाड़ी नहीं जा सकती है वहाँ पे। यहाँ तो गांव डूब गया, जिसके कच्चे घर हैं वो ख़त्म हो गए हैं, फसलें ख़त्म हो गई हैं, और ये लोग बस खुद उगाते थे, खुद खाते थे, डेली हैंड टू माउथ मेहनत मजदूरी करने वाले लोग, किसान हारी लोग हैं। ये वो लोग हैं जो आपकी जो ये सब्ज़ियाँ वगैरह सब चीज़ें जो ग्रो होती हैं ये उगाते हैं, आप तक पहुँचाते हैं। ये नहीं होंगे तो हमारा फूड इन्फ्लेशन अभी 400%, सब्ज़ी महंगी हो गई है 400%। ये तो अभी बिगनिंग है, आगे क्या करेंगे, व्हाट विल वी डू, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। बहुत सारी एड आई है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन स्टेप इन कर रही है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमिंग इन, फिजिकल एड, मेडिकल एड। गेस व्हाट, इट्स नॉट इनफ, इट इज़ नॉट इनफ। पूरा पाकिस्तान डूबा हुआ है, आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। एक दफ़ा मेरे साथ आए, एक दफ़ा आएँ तो सही, आपको पता चलेगा, आप रोने रोने जैसे हो जाओगे जिस तरह की डेवास्टेशन हुई हुई है। यू जस्ट लुक एट द अमाउंट ऑफ वाटर जो खड़ा हुआ है, जाने का कोई, ड्रेन करने का कोई ज़रिया नहीं है। उस उतने अमाउंट ऑफ पानी को पंप आउट भी नहीं किया जा सकता, सिर्फ अलामिया के ऊपर छोड़ा हुआ है कि अब जब सूरज उसको आए और सुखाए पानी को, ख़त्म हो, तो दैट्स द ओनली सोल्यूशन दैट वी हैव राइट नाउ। तो आप स्टेप अप। आई डोंट नो कि ये सारे इन्फ्लुएंसर्स, फूड फ्यूजन इज़ अ यूट्यूब चैनल, ठीक है, हम कोई बहुत मल्टी नेशनल कंपनी नहीं है, हम एक छोटा सा यूट्यूब चैनल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें आप लोगों की सपोर्ट है, वरना हम ये नहीं कर सकते थे। हम अपने ऑन आर ओन जो कर रहे थे वही कर लेते ज़्यादा ज़्यादा, उससे ज़्यादा क्या करते। मगर जैसे आप लोग हमारे साथ जुड़े, सब ने जुड़ना चाहिए। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं मैं उन सबको अपील करता हूँ, आप लोग बाहर निकलें, एक दिन आए, सिर्फ एक दिन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक दिन हैदराबाद आएँ, वहाँ से आप अपने एक ट्रक बनवाएँ और यहाँ पे दादू, लड़काना, खैरपुर, आप जहाँ जाएंगे वहाँ पे आपको फ्लड इफेक्टिव मिलेंगे। जाएं और डोनेट करें। पैसे देने से ज़्यादा अगर आप खुद आएंगे ना तो आपको सही अंदाज़ा होगा। पैसे तो देने से ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम कर रही हैं, फूड फ्यूजन लगा हुआ है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनको डोनेट करें। जिसको डोनेट करना है आप वो डोनेट करें, मगर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप खुद समझें कि हुआ क्या है, Why are we doing all this? You need to be on ground. कोई टीवी चैनल, कोई सोशल मीडिया की वीडियो, ये वीडियो जस्टिस कर ही नहीं सकती ना, आपको बता ही नहीं सकते कि क्या हुआ है। तो खैर, प्लीज़ कंटिन्यू द डोनेशंस। मैं बहुत ज़्यादा बोल गया हूँ, मैं और भी ज़्यादा कंटिन्यू करता रहूँगा तो आई विल बी टॉकिंग फॉर आवर्स, बट एंड में यही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ कंटिन्यू योर डोनेशंस, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक गुड केयर ऑफ़ द पीपल अराउंड यू। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।